शादी का वादा करके उसने रिलेशन शुरू किया था और वो कंटिन्यू ही मुझे दारू पी के नशा करके फिजिकली मेंटली असॉल्ट करता था। मेरे पूछने पे वो हमें शादी के बारे में बात करने पे वो हमेशा मुझे डराता था, धमकाता था। नमस्कार, मेरा नाम रिंकी बक्सला है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ खासदार राहुल शिवाले जिसने मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरा कनेक्शन पाकिस्तान और दाऊद और पता नहीं, मतलब बेबुनियाद इल्ज़ाम वो लगा रहा है वो बिकॉज ऑफ वो अपने सिर्फ गुनाह छुपाना चाह रहा है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर जो फिजिकली मेंटली असॉल्ट किया है, मुझे डराया है, फॉल्स केस किए हैं और उसके अगेंस्ट मैं ऑलरेडी साकी नाका में 2028 को कंप्लेन और स्टेटमेंट दे चुकी हूँ, जो मेरी FIR नहीं हुई है। पॉलिटिकल पावर उसके कनेक्शंस की वजह से मुझे बार बार जान से मारने की धमकी है, मेरी लाइफ को थ्रेड है, मुझे दो बार मेरे को जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ बकायदा कंटिन्यू उसने मेरे ऊपर दो फॉल्स केस भी किए हैं और जब जब मैंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई है तब तब उसने मेरे ऊपर कोई ना कोई बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। वो दो साल मेरे साथ कमिटेड रिलेशन में था, शादी का वादा करके उसने रिलेशन शुरू किया था और वो कंटिन्यू ही मुझे दारू पी के नशा करके फिजिकली मेंटली असॉल्ट करता था। मेरे पूछने पे वो हमें शादी के बारे में बात करने पे वो हमेशा मुझे डराता था, धमकाता था, मेरी फैमिली को डराता था, धमकाता था, उनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स, मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स। और जब मैंने, क्योंकि मैं दुबई से हूँ तो मेरा करियर दुबई में मैंने बनाया है स्ट्रगल करके, मेरे फैशन डिजाइनर, मेरी दुबई में टेक्सटाइल छोटी सी कंपनी थी एज अ प्रोफेशन, मैंने वहां बहुत स्ट्रगल किया है। तो हाँ, मैं दुबई में रही हूँ, मेरे वहां पर हर नेशनैलिटी के दोस्त रहे हैं, हाँ वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, अमेरिकन हो, मेरे कलीग्स रहे हैं बिकॉज ऑफ मेरा वहां फ्रेंड सर्कल रहा है जो भी कंट्री से रिलेटेड, उस बेस पे वो आज बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है कि मेरे कनेक्शन दाऊद और पाकिस्तान से है। तो ये बेबुनियाद इल्जाम है, इस बेटी, इस देश की बेटी को न्याय चाहिए जो न्याय के लिए लड़ रही है, तो वो अपने गुनाह छुपाने के लिए